तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल काश यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं स्मार्ट कूल गैजेट्स लेकर आया हूँ दो, और तो मैं सोचता हूँ कि आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर परचेज़ करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये है एक USB हब, ये 4-in-1 USB हब है, और कंप्यूटर एंड्रॉयड वगैरह आईफोन वगैरह में सब में सपोर्ट करता है। ट्राइपॉड टहल गए, इसको हम ऐसे अनबॉक्स करते हैं। ये दिखा रहा है कि इसमें हाई स्पीड मिलता है और विंडोज 7, ये फालतू की चीज़ें सारी ये हम नहीं देखते। तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें 4-in-1 मिलता है, और इसमें यहाँ पे एक LED मिलती है, और ये सारे ऑन ऑफ के पोर्ट मिलते हैं। जौन सा USB चलाना है वो USB हम इसमें चला सकते हैं, और इंडिकेटर भी मिलता है, लाइट्स भी मिलती है। ये रही, 4 LED लाइट्स मिलेंगी, तो इसको हम चेक करेंगे। तो एक और स्मार्ट कूल गैजेट्स, ये है एक ब्लूटूथ माउस जो मैंने नॉर्मल मार्केट से ख़रीदा है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ्रेंड्स, जब मैंने ये ख़रीदा था तो इसका जो यहाँ पे पेपर लगा हुआ था, इंफॉर्मेशन जिस पे होती है, वो गिर गया था वहीं पे, ठीक है। ये है, बहुत प्यारा सा माउस है, बहुत मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब इसको देख के लगता है कि हाँ यार, ये माउस है। मतलब माउस जैसे चूहा, मतलब ऐसे लगता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और दिखा दो आपको, इसमें ऑन ऑफ का दे रखा है, लेकिन इसमें बटन नहीं है दूर दूर तक भी। यहाँ पे दिखा रखा है ओपन, तो हम इसको ओपन करेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे सेल, ये सेल डालेंगे, पेंसिल वाले सेल डालेंगे, तो सबसे छोटा जो साइज का सेल होता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ से ऑन, इसको हम लगा देते हैं फटाफट यार में। तो ठीक है, ये है इसका कनेक्टर। अभी तो अब हमें एक चाहिए हमें OTG, ठीक है। ये OTG है, ये भी OTG है, ये भी, ये छोटे साइज में OTG है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर चाहिए तो ले लेना, ठीक है। तो ये वाली इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, थोड़ी हैवी होती है। इसको हम लगाएंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लगा देंगे इसमें USB के थ्रू, ठीक है। माउस चल गया है हमारा। अच्छा, अभी ये टेबल थोड़ी ज़्यादा चिकनी है, तो इस वजह से इस पर अच्छे से काम नहीं करेगा, बट बहुत स्मूथली चल रहा है। मतलब जिस हिसाब से इसका प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा मस्त चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया माउस भाई हमारा। तो अगला स्टेप हमारा ये, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके लिए कैमरे की लाइट ऑफ करनी पड़ेगी मुझे। तो फ्रेंड्स, हम OTG को इसमें लगा लेंगे USB हब के अंदर, ठीक है, और इसको लगा देंगे माइक्रो USB, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ये लगा देंगे, और क्या क्या लगाऊँ, ये लगा देता हूँ पेन ड्राइव, ठीक है। ये पेन ड्राइव लगा दी मैंने, और क्या लगा भाई, ये कार्ड रीडर लगा देता हूँ, ठीक है। तो भाई, पहले हमें माउस चलाना है, तो माउस को ऑन कर देंगे। LED जल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यार, डिस्प्ले पे, मोबाइल स्क्रीन पे माउस आ गया है। तो हमको करना है माइक्रो SD, नहीं, पेन ड्राइव, ठीक है। तो पेन ड्राइव यहाँ पे अभी शो हो जाएगा, ये देखो, ये आ गया पेन ड्राइव, ये आ गया ना सिस्टम, ठीक है। तो अभी हमें करना है मेमोरी कार्ड, तो हमने ये ऑन कर दिया, यहाँ पे इंडिकेटर आ गया। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे स्मार्ट कूल गैजेट है यार, रोज़मर्रा की चीज़ है। और अगर आप भी चाहते हैं तो बहुत, मतलब इसकी क्वालिटी मेरे को इतनी अच्छी लगी, लाइट बंद करके एक बार दिखाऊं। ये देखो यार, कितनी बेस्ट क्वालिटी है इसकी, मतलब मुझे
बहुत अच्छा लग रहा है इसका, मतलब वेट भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि भाई हल्का फुल्का। बट इसके अंदर ये एलईडी यहाँ पे जो दी गई है, ये मुझे समझ नहीं आया, ये नहीं जल रही अभी, इसको पावर मिल रही है फ़ोन से। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये ऑन ऑफ के बटन है सारे, ये मैंने ऑन ऑफ कर दिया, ये ऑन के बटन है। ठीक है, ये USB 4-in-1 USB हब। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपके माइंड में आइडिया है, अगर आपको कुछ बनाना है, मतलब XYZ कुछ भी है, कोशिश करूँगा तुम्हारे सामने बनाऊँगा लाइव। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।